हेलो एवरीवन वेलकम टू इकनॉमिक क्वेश्चन टू थाउजेंडीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट वन सेज द डेमल नंबर इलेवन इज लार्जर हेग्जा डेसिमल नंबर 11. तो देखते हैं कि कैसे क्या ये एग्जैक्टली होता है डेसिमल नंबर इलेवन है तो उसको पहले हम हेजा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर इलेवन के अंदर जो अगर आपका फर्स्ट यूनिट डिजिट को देखो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है सिक्सटीन रेस टू पावर जीरो और जो टेंथ वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना होता है सिक्सटीन रेस टू पावर वन नाउ वॉट यू हैव टू डू आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपको ऐड करना होता है सो वन इंटू सिक्सटीन रेस टू पावर वन प्लस वन इंटू सिक्सटीन रेस टू पावर जीरो सो आपको क्या मिलेगा नंबर सिक्सटीन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू सेवनटीन तो जो स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं डेसिमल को अगर हम हैगजा डेसीमल में कर, करते हैं कन्वर्ट तो उसका जो नंबर आएगा दैट दैट विल बी इलेवन तो विच इज़ रॉन्ग डेसिमल नंबर इलेवन का हेग्जा डेसीमल इज सेवनटीन नेक्स्ट स्टेटमेंट द बाइनरी नंबर ट्रिपल वन ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो वन इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है दैट इज दिस हैज डेसीमल वैल्यू उसकी है तो वैल्यू पहले देखते हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सो वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन सो दैट वी कैन जस्टिफाई वेदर द आंसर इज़ करेक्ट और नॉट सो आपको क्या करना है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव को मल्टीप्लाई करना है टू से वॉट यू गेडज़ वन पॉइंट टू फाइव ज़ीरो फिर जो इसके लास्ट वाले डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उसे लोगे आप ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ज़ीरो इंटू टू ले लिया एंड वॉट यू गेडज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव डबल ज़ीरो ठीक है अब पीछे वाले फिर उठा के आगे लिखोगे जीरो पॉइंट फाइव डबल ज़ीरो इंटू टू तो आपको क्या मिलेगा वन पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो अब आपको टॉप डाउन अप्रोच लेके जो डिसिमल से आगे वाले हैं दैट बी द आंसर सो इसका बाइनरी फ्रैक्शन क्या होगा बाइनरी फ्रैक्शन जो दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव विल बी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो वन बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन द क्वेश्चन इज आई सी टी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ आई टी नहीं आई सी टी जो है वो बड़ा टर्म है और आई टी जो है वो छोटा टर्म है तो सबसेट आई टी है आई सी टी का आई सी टी सबसेट नहीं है आई टी का सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है इसका आंसर तो आएगा आपको समझ आ, आ गया होगा कि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट थी एंड दिस वॉज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हमने अभी देखा है इसका आंसर क्या है जीरो पॉइंट वन जीरो वन सो ज़ीरो पॉइंट वन जीरो वन ही था इसका बाइनरी फ्रैक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा है फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट जिसमें आई सी टी जो है दैट इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ आई टी नहीं गलत है आई सी टी जो है वो ब्रॉडर टर्म है आई टी जो है वो नैरो टर्म है स्टेटमेंट टू देख लेते हैं द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म डॉपी राइट जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सो सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट्स द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दट वनवरी टू थाउजेंड सेवेंटीन द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाइस्ट टू लोएस्ट स्पीड जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो कौन सी उसमें आता है उससे सबसे कम वाली स्पीड में अरेंज करना है उसको सो so, जो सेकेंडरी स्टोरेज है सेकेंडरी स्टोरेज तो सबसे ज़्यादा जैसे पेन ड्राइव हो गई वो तो सबसे स्लो स्टोरेज होगी तो ये अगर मान रहे हो आप ये वाला द वन फर्स्ट वाला ये तो एलिमिनेट कर सकते हो आप क्योंकि पेन ड्राइव लगाओगे फिर वो कंप्यूटर पे शो करेगा सो so, वो उसकी स्पीड जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स सो विल सी अदर्स ऑल्सो अगर रैम और रोम की बात करते हो तो रैम और रोम जो है दोनों ही मेन मेमरी का पार्ट होता है ठीक है सो कैशे मेमरी होता है कैशे मेमरी वी टॉक अबाउट कैशे मेमरी इज़ अ काइंड ऑफ मेमरी दैट इज़ लाइक अ फ्लैश मेमरी जैसे आपने फाइव टू सिक्स वेबसाइट्स खोल रखी हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे और अगर आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करना है तो वो पेज जो है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है ठीक है सो दैट इज़ कैशे मेमोरी सो नेक्स्ट इज़ सी पी यू सी पी यू का जो रजिस्टर uh, है दैट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी जो कि अवेलेबल होती है सो इट इज़ अ मेमोरी दैट इज़ रिक्वायर्ड अगर हम बूटिंग करते हैं कंप्यूटर की तब भी यूज़ होती है तो सी पी यू जो है वो हाईएस्ट है तो बी और सी में से ऑप्शन में से हमारा आंसर है एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू सी पी यू होता है फिर कैशे मेमोरी होता है ठीक है फिर रैम होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में जैसे पेन ड्राइव एक्सटर्नल डिवाइस जो हम लगाते हैं वो सबसे बाद में आ जाते हैं सो so, सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस अ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ वेब टू पॉइंट ओ एप्लीकेशन सो वेब टू पॉइंट ओ जो है पहले बात करते हैं इनिशियली क्या हुआ करता था इनिशियली वेब वन पॉइंट ओ एप्लीकेशन होता था जिसमें सिर्फ डेटा शेयर करना अलाउड होता था और वेब डेटा जो था वो हम अलाउड था कि उसे हम शेयर कर सकते हैं फिर हमारा बाद में आया द लेटर ऑन वेब 2.0 पॉइंट एप्लीकेशन आया जहाँ पे ऑप्शन आ गए चार्ट के वेब 2.0 की बात कर रही हूँ। वेब 2.0 में चार्ट का ऑप्शन आ गया कि आप चार्ट कर सकते हो बाकी इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है स्काइप हो सकती है सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ जो ऑनलाइन चैट है उसका सब पार्ट था सो दिस वॉज कनेक्टेड विद व वेब टू पॉइंट ओ फिर आया हमारा लास्ट में दैट इज द एरा जॉब चल रहा है दैट इज़ ऑफ वेब थ्री पॉइंट ओ एप्लीकेशन जहाँ पे वेब थ्री पॉइंट ओ एप्लीकेशन के अंदर हम ए आई यूज़ करते हैं थ्री पॉइंट ओ इन दैट वी यूज़ ए आई विच इज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ठीक है सो दैट इज़ देर सो इफ वी सी द क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा करैक्टरस्टिक्स है टू पॉइंट ओ एप्प्लीकेशन का सो इसके अंदर लोग जो है वो कोलेबरेट कर सकते हैं एज आई ऑलरेडी टोल यू चैट का ऑप्शन आ गया था इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई थी एंड स्काइप्स वगैरह सो वेब 2.0 के अंदर इट इज़ फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कोलेबरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सो बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस अ क्वेश्चन दैट वज इन जनवरी टू द क्वेश्चन इज विद रिकॉर्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग द जो प्रोसेस है ऑफ कंबाइंड स्टार्टिक्स इंफॉर्मेशन और स्टार्टिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन टूगेदर विद वेरेबल इंफॉमेशन इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मोर्ज एप्लीकेशन इज कॉल्ड इसे हम क्या बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड मेल मोर्ज जैसे आपको सेंड करने इन्विटेशन सौ लोगों को सो यू गॉट हंड्रेड एड्रेसेस तो उस केस में क्या होगा आपके पास जब ऐसे हंड्रेड मैसेजेज होते हैं तो आपको हर एक को डिफरेंट मैसेजेस टाइप करके भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको बस मेन कंटेंट लिखना और उसको मर्ज कर देना विद ईच हर एक को मर्ज कर देना विद डिफरेंट एड्रेसेस तो दैट इज़ मेल मॉर्जिंग ठीक है सो मेल मॉर्जिंग जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आज इन जनवरी टू थाउजेंड सो द क्वेश्चन इज डी टेक्नोलॉजी यूज ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर डिजिटल डेटा तो डीवीडी का आखिरी नेम क्या होता है डीवीडी का आखिरे नेम इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ठीक है सो so सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय